Hey everyone, so this is another sneak peek of the revision day. There are some tips and tricks जो कि मैं follow कर रही हूँ revision के time पे with rest of other roles and responsibilities जो कि मुझे follow करनी ही पड़ेंगी as household stuff, जैसे सारा पूरा breakfast, baby को ready करना, school भेजना है, play school जाती है वो, उसके बाद मेरा जो study routine start होता है morning मोस्ट प्रोबेबली 10:30 के बाद से ही स्टार्ट होता है व्हेन आई ड्रॉप्ड हर टू स्कूल 10:30 पे, और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करके देन आई ऑलवेज सिट फॉर द फर्स्ट सेशन. तो फर्स्ट सेशन तब से ही स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 12:30 तक फर्स्ट सेशन मेरा मोस्ट प्रोबेबली मैं कंटिन्यू करती हूँ बिकॉज शी केम बैक एट 12:30 एंड आफ्टर दैट आई नीड टू गिव सम टाइम टू हर एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. So today I have taken 4 hours and 54 minutes of sleep. First session start किया है मैंने, तो because मैंने बताया था आपको कि first session में जितना भी आप revision कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है, because मेरा जो daily routine है मैं late night study करती हूँ तो morning में early morning मेरा उठना possible नहीं हो पाता, but generally जिनको early morning उठना होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो early morning उठें जो भी, क्योंकि प्रोडक्टिव आवर्स मॉर्निंग के बहुत अच्छे होते हैं. बट इट डिपेंड्स कि आपका जो स्टडी रूटीन है वो किस तरीके से चल रहा है, बिकॉज जनरली मेरा स्टडी रूटीन लेट मॉर्निंग स्टार्ट होता है, तो मैं जो भी मेरा स्टडी प्लान है उसको प्रिपेयर करती हूँ पहले कि क्या क्या आज मुझे रिवाइज करना है, क्या क्या रिविज़न करना है, और जब रिविज़न के मोड पर जो भी मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ, बिकॉज शॉर्ट टाइम में जो आपको आपके माइंड में रिटेन कर सके वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो दिस वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन पार्ट विच आई एम मेकिंग सम क्विक नोट्स. सो आफ्टर दैट फर्स्ट सेशन, उसके बाद कुछ वीडियोज़ देखे मैंने करंट अफेयर के, एंड देन इट वॉज अनदर सेशन जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैं ग्रीन टी हमेशा लेती हूँ. और मैं सजेस्ट करूँगी लॉन्ग सिटिंग्स में, अगर आपको भी लगता है कि लॉन्ग सिटिंग में प्रॉब्लम है सो यू नीड टू टेक ग्रीन टी, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए. एंड आफ्टर दैट सेकेंड सेशन स्टार्टेड, बिकॉज फर्स्ट सेशन में जो भी कम्प्लीट हुआ था मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आई मेक हर सेटल डाउन आफ्टर जब वो स्कूल से वापस आ जाती है, उसके बाद खाना वगैरह खिलाना, मेक हर कंफर्टेबल, एंड देन उसके बाद लंच वगैरह सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको थोड़ा सेटल डाउन करना, एंड देन इट वाज अ सेकंड सेशन. उसके बाद उनको मम्मा के पास ही रहना है, मम्मा के साथ ही स्टडी भी करनी है और मम्मा की ही कॉपी में भी काम करना है. तो बस मेरे साथ बैठी तो मैंने अपने साथ ही उसको कुछ जो भी रिवीजन के लिए ABCD और जो स्टार्टिंग का इनिशियल फेज है वो स्टार्ट किया. सो इट वाज मेरे रिवीजन के साथ मैंने उसको सेटल डाउन किया, बिकॉज़ इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ जिसको मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकती. और इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आपको कि जो भी आपके गोल्स हैं तो वो आपको अर्ली ही कम्प्लीट करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको मैनेज भी करनी है अपनी स्टडीज़ को. So I am making her understand A for apple, B for ball, so rest of the other things. But उसको मम्मा के अलावा कहीं और बैठना भी नहीं है, कोई भी जगह हो घर में कोई उनको कोई मतलब नहीं है, बस मम्मा के पास ही बैठना है. So I am trying to manage my time along with her take care, because
उनको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, सब कुछ आज ही पढ़ना है। तो बच्चे को ट्रीट तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, आप के जो भी गोल्स हैं वो आपको अपने टाइम में ही मैनेज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम मैनेजिंग। Now she is satisfied. तो कुछ कुछ मैंने होमवर्क उसको बना के दिया है। Now I continued my studies, जो भी रिविजन मोड था तो वो मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद जो भी पॉइंटर्स हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेके वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। बिकॉज़ ये करंट अफेयर और इकोनॉमी का जो भी पोर्शन है उसमें भी काफ़ी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स होते हैं वो आप ले सकते हो। काफ़ी सारे चैनल्स हैं, तो मैं एक सेपरेट जो है आपको सजेस्टेड बुक लिस्ट और उसके अलावा जो भी आप चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, आई विल रिकमेंड आफ्टर 5th of June and 12th of June, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम। सो जो भी कुछ कुछ अपडेट्स हो सकती हैं तो वो मैं दे रही हूँ। Now after the break it is the dinner time. Dinner complete करने के बाद I always take night drink, that is green tea, और बाकी settle down करके then I set for another session, that is you can say it is third session for study, जो भी rest of the things, and we study continue करते करते 11:30 हो गया है, और अभी मुझे और भी बहुत सारे रिवीजन करना है। तो पॉलिटी का रिवीजन मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज़ उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको गलत आपका नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा जो भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें करी हुई हैं, इसके अलावा हिस्ट्री का पोर्शन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और करंट अफेयर PT365 अगर आपने कंप्लीट करी हुई है तो वो आपको कंप्लीट करनी है और उसको रिवाइज भी करना है। उसके अलावा जो भी आपके नोट्स हैं, जो आपने क्विक नोट्स बनाए हैं, उनका रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे स्टार्टेड, और उसके सबसे स्टार्टिंग में मैं जो है कोई पॉइंटर्स होते हैं या फिर उस जो डे का प्लान होता है कि क्या क्या रिवाइज करना है वो मैं स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद फिर जो भी सीरियल वाइज किस किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं वो मैं ऑलरेडी नोट डाउन करके रखती हूँ, और उसके बाद अपना दिन स्टार्ट होता है। तो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो मेरी स्टडी हो नहीं पाती है, मेरी जो भी स्टडी स्टार्ट होती है वो 10:30 या 10:30 के बाद से ही स्टार्ट होती है। सो दैट इज़ वाई हाउ आई प्लान्ड इट, एंड ब्रेकफास्ट टाइम था, आई ऑलवेज टेक ज्वार का रोटी बिकॉज ऑफ दैट डाइट थिंग, एंड आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई वेट एज कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वेट इंक्रीज हो जाता है, एंड क्योंकि जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें बेबी को लाने के बाद जो भी स्टडी है 2-3 घंटे का, नाउ दिस इज़ द इवनिंग टाइम, क्योंकि फर्स्ट लॉट की स्टडी मैंने ऑलरेडी कर ली थी, सो दिस इज़ द सेकेंड लॉट व्हेन आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़, एंड दैट इज़ रिवाइजिंग इट थ्रू सम लेक्चर्स। सो ये इकोनॉमी का
रिवीजन है, रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज करंट अफेयर बेस्ड है सबसे ज़्यादा इसमें, तो ये पूरा कुछ रिवीजन मोड में स्टार्ट करके कंटिन्यू किया। रिविजन मूड इज़ गोइंग ऑन, इट्स 12:19 इन द मॉर्निंग, और उसके बाद जो भी स्टडी थी वो कंटिन्यू थी मैंने 2 बजे तक, एंड देन दिस इज हाउ आई प्लान माई डे। सो इट वॉज 2 PM, 2 बजे तक स्टडी करके उसके बाद मैं सोई थी, और फिर उसके बाद सेम रूटीन।